जब किसी फिल्म के गीत हिट होते हैं तो हम कह उठते हैं, वाह उस फिल्म के गीत कितने सुंदर हैं। यह सच है कि गीतों की सफलता में संगीतकार, गायक और गीतों के फिल्मांकन नायक नायिका का होता है, परंतु गीतों की सफलता में सर्वाधिक योगदान होता है उस गीत की रचना व लिखने वाले का, फिल्मी भाषा में जिन्हें हम और आप शायर व गीतकार के नाम से जानते हैं। ये गीतकार ही होते हैं जो अपने कलम के जादू से गीतों को सफलता के शिखर पर पहुंचाकर उन्हें कामयाब बनाते हैं। रहे न रहे हम जलते हैं जिसके लिए, दिल जो न कह सका पिया तू अब तो आजा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, हमें तुमसे प्यार कितना, तुम बिन जाऊं कहां, पापा कहते हैं और पहला नशा जैसे कई लोकप्रिय गीतों की रचना करने वाले ये शायर और गीतकार थे जनाब असरार हसन खान उर्फ मजरूह सुल्तानपुरी। 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में जन्म हुआ था इस लोकप्रिय शायर व गीतकार का। इनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे जो ये चाहते थे कि उनका पुत्र हकीम बने, परंतु बचपन से ही गजलों और शेरो शायरी के शौकीन थे असरार। उन्हें मुशायरों और महफिलों में जाना और शायरी सुनना बेहद पसंद था। पिता की आज्ञानुसार असरार लखनऊ के तकमील उल तीब कॉलेज गए और यूनानी पद्धति से हकीम बनने की पूरी तालीम ली, परंतु युवा असरार ये बखूबी जानते थे कि इससे वो सफलता नहीं मिल सकती जो एक उर्दू शायरी कर सकती है। अलीगढ़ स्थित मदरसे से फारसी व अरबी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आए माया नगरी बम्बई। वहां पहुंचकर उर्दू शेर व शायरी के शौकीन असरार ने शीघ्र ही अपनी उर्दू शायरी को गजल का रूप दे दिया। बम्बई आकर साल 1945 में सबसे पहले ऑल इंडिया सब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक मुशायरे में वे शामिल हुए। वहां निजामी लोगों के सम्मुख उनका परिचय मजरूह सुल्तानपुरी कहकर करवाया गया। फुल लखनवी, सफेद पजामा कुर्ता, गला बंद फुल काले रंग का कोट, चेहरे पर एक अलौकिक चमक के साथ युवा असरार जब माइक्रोफोन पर आए तब उन्होंने अपनी गजल पढ़ी। शब ए इंतजार कश्मकश में नापूछ कैसे रहा हूँ, कभी एक चराग जला दिया, कभी एक चराग बुझा दिया। उस मुशायरे में मशहूर निर्माता निर्देशक अब्दुल रशीद कारदार भी मौजूद थे। वे मजरूह साहब की शायरी से बेहद प्रभावित हुए और फिर क्या था, कारदार साहब ने अपनी फिल्म शाहजहां में गीत लिखने के लिए मजरूह साहब को आमंत्रित किया। परंतु जानते हैं मजरूह साहब ने उस फिल्म में गीत लिखने से कारदार साहब को साफ इनकार कर दिया। बाद में शायर जिगर मुरादाबादी के कहने पर उन्होंने फिल्म शाहजहां में गीत लिखना स्वीकार किया और बस यहीं से शुरू हो गया बतौर गीतकार उनका फिल्मी करियर। 1946 की इस फिल्म के गीतों ने धूम मचा दी और गायक के एल सहगल द्वारा गाए सभी गीतों को संगीत प्रेमियों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के संगीतकार थे नौशाद साहब। शाहजहां फिल्म के बाद साल 1949 की फिल्म अंदाज के लिए गीत लिखे मजरूह साहब ने। तू कहे अगर झूम झूम के नाचो आज, आज कहीं दिल खो बैठे, टूटे ना दिल टूटे ना, जैसे गीतों ने अभूतपूर्व सफलता पाई। और इस सफलता के साथ ही मजरूह साहब उस दौर के लोकप्रिय गीतकारों में शुमार हो गए। मजरूह साहब एक सफल उर्दू शायर थे, इसलिए सुनने वालों को उनके गीतों में शायरी की एक स्पष्ट झलक सुनने को मिलती है। गीत, गजल, रोमांटिक, रॉक एंड रोल, पॉप, कव्वाली, भजन, संवेदनशील, मस्ती भरा, कैबरे या फिर संवाद प्रवृत्ति का गीत, सभी प्रकार के गीत लिखे मजरूह साहब ने। उन्होंने जिस भी दौर में गीत लिखे वे सभी हिट हुए और उनकी खासियत यह है कि उन गीतों की चमक आज तक बरकरार है। नौशाद, अनिल विश्वास, ओपी नैयर, रोशन, उषा खन्ना, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, बसंत देसाई, एन दत्ता, सलिल चौधरी, हेमंत कुमार, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे अपने समय के सुप्रसिद्ध संगीतकारों के अलावा बाद में ए.आर. रहमान, राजेश रोशन, अनु मलिक, आनंद मिलिंद, जतिन ललित, तुषार भाटिया और लीजले लुइस लेविस जैसे संगीतकारों के साथ भी उन्होंने अपने कलम के जौहर बिखेरे और वे सभी गीत भी बेहद मकबूल हुए। एक खास बात यह है कि हिंदी सिनेमा में उन्हें पिता व पुत्र दोनों ही संगीतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। उनमें संगीतकार रोशन और उनके पुत्र राजेश रोशन, संगीतकार एसडी बर्मन और उनके पुत्र आरडी बर्मन और संगीतकार चित्रगुप्त और उनके पुत्र आनंद मिलिंद शामिल हैं।
निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की अधिकांश फिल्मों के लिए सदैव गीत लिखे मजरूर साहब ने। आरंभ में नासिर हुसैन की फिल्मों का संगीत ओपी नैयर, उषा खन्ना और शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों का रहा, परंतु बाद की फिल्मों में नासिर हुसैन, आर डी बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी ने हिंदी सिनेमा को तीसरी मंजिल, कारवां, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं और जमाने को दिखाना है जैसी कई म्यूजिकल हिट फिल्में दी इस फिल्म इंडस्ट्री को। संगीतकार आर डी बर्मन के साथ उन्होंने अन्य फिल्मों के लिए भी लोकप्रिय गीत लिखे, जिनमें मेला, अभिलाषा, अनामिका, मेरे जीवन साथी, मंजिल मंजिल व कुदरत जैसी फिल्मों के गीत भी संगीत प्रेमियों ने खूब पसंद किया और उन्हें गुनगुनाया भी। साल 1964 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती में चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे इस गीत के लिए मजरू साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्हें राष्ट्रीय इकबाल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। साल 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मजरू साहब पहले गीतकार हैं। 25 मई साल 2000 को इस महान शायर व गीतकार ने इस फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा। उनके गीतों में लय, अप्रतिम सौंदर्य, सौम्य भावनाएं व सुसंस्कृत शब्दों का सुंदर सम्मिश्रण सुनने वालों को मिलता है। मजरू साहब के कलम से निकले गीतों को उनके चाहने वाले जब भी सुनेंगे वे सदैव यही कहेंगे, तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए लाइक करके और अपने कमेंट्स के माध्यम से। धन्यवाद।